यस, आज हम एक ब्यूटीफुल गुड लुकिंग वेबसाइट बनाने जा रहे हैं यूजिंग HTML ओनली। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि सर HTML से वेबसाइट बना के दिखाइए, सो स्टिक अराउंड, आई विल शो यू हाउ। सो गाइस लुक एट दिस, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और गाइस यहां पे हमें दो फाइलें मिलती हैं, एक है HTML के जिसके अंदर हम कोड करेंगे और एक है इमेज के जिसके अंदर हमारे पास इमेजेस हैं। सो गाइस हमने अभी एक बेसिक कोडिंग कर रखी है और गाइस ये है हमारे पास आउटपुट। सो गाइस सबसे पहले हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम टेबल लिखेंगे, ठीक है, और टेबल को हम क्लोज कर देंगे, राइट। और यहाँ पे हम सबसे पहले बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर इक्वल्स टू डबल कोट्स 2, ठीक है, जिससे कि हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा टेबल का। उसके बाद हम विड्थ कर देंगे यहाँ पे 100%, ठीक है, और हम हाइट कर देंगे यहाँ पे 500 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं कि क्या होता है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो गाइस लुक एट दिस, ये हमारे पास टेबल आ चुकी है। 500 पिक्सल मुझे कम लग रहा है तो मैं यहाँ पे 700 कर देता हूँ, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये 700 बिल्कुल मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बेसिकली गाइस मैं जितना भी आगे काम करूंगा वो टेबल के अंदर करूंगा, और अगर आपको टेबल नहीं आती है तो गाइस उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे TR ले लेंगे, ठीक है, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, ठीक है, और यहाँ पे इसमें मैं बनाऊंगा इसके 5 कॉलम्स, ठीक है। तो पहले मैं TH, ठीक है, टेबल एडिंग यानी कि एक कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम बनाता हूँ, TH, सेव करते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 कॉलम आ चुके हैं, लुक एट दिस। सो गाइस यहाँ पे मैंने 5 कॉलम बना दिए हैं, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, लुक एट दिस, 5 कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने लिखूंगा वेबसाइट का नाम technobrains.in। गाइस आपको हमारी वेबसाइट पे सारी वीडियोस की कोडिंग मिल जाएगी, और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसकी भी कोडिंग हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सो गाइस अभी मैं सेव करता हूँ, लुक एट दिस, पहले देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए हमारा वेबसाइट का नाम लिखा आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड कॉलम में कुछ नहीं करेंगे, थर्ड कॉलम में लिखेंगे हम होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, लुक एट दिस। सो गाइस लुक एट दिस, दिस इज आवर रिजल्ट। इसे देख के घबराना नहीं है, इट्स क्वाइट इजी, मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कम गैप आ रहा है, और इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो गाइस मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और गैप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक और कॉलम लिखूंगा, कॉपी, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैंने एक और कॉलम लगा दिया, सेव कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा, तो थोड़ा सा गैप और आ गया, ठीक है। अब गाइस ये देखिए हमारी एक पूरी रो बन चुकी है, मैं आपके लिए कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, रो 1, ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, क्लियर है। सो गाइस अब मैं यहाँ पे कुछ रोज बनाने वाला हूँ। सो गाइस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कंटेंट कौन सी रो में रखना है। सो गाइस अभी मेरी ये रो 1 कंप्लीट हो चुकी है, इसे मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे और रोज बना लूंगा। सो गाइस लुक एट दिस, हमने यहाँ पे 6 रोज बना दी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए रो 2 रो 3, ठीक है, और उसके बाद रो 4 रो 5 एंड रो 6। और गाइस अगर हमारे पास ज्यादा रोज होंगे तो हम इसे हटा भी सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम रो 2 में चलते हैं, ठीक है, रो 2 हमारे पास ये है। सो गाइस अब हम रो 2 में क्या करेंगे, गाइस सबसे पहले इसमें यहाँ पे स्पैन करेंगे, यानी कि कॉल स्पैन मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, और कितने स्पैन करने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पैन करने हैं, 6 लिखा, सेव करूंगा, रिफ्रेश। तो लुक एट दिस, यहाँ पे स्पैनिंग हो चुकी है और ये बहुत सारे कॉलम्स आ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लिख रखे हैं। मैं इसे यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, डिलीट करा, सेव करा, रिफ्रेश करा, लुक एट दिस, हमारे पास लाइन आ चुकी है। सो गाइस अगर आपको कॉल स्पैन रो स्पैन नहीं आता तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हम यूज करेंगे हेडिंग, मैं एंटर करूंगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाऊंगा, देन यहाँ पे मैं हेडिंग लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है, और हेडिंग क्लोज, ठीक है, सेव करूंगा, लुक एट दिस, रिफ्रेश करूंगा, ये हमारे पास आ गया। सो गाइस उसके बाद नेक्स्ट रो में चलते हैं, रो 3 में, इसको भी गाइस कॉल स्पैन कर देंगे, ठीक है, कॉल स्पैन इक्वल्स टू डबल कोट्स 6, बाकी सबको हटा देंगे यहाँ से, डिलीट, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, लुक एट दिस, ये हमारे पास कॉल स्पैन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे यूज करेंगे हम फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग क्या होता है आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा फॉन्ट, ठीक है, और यहाँ पे साइज लिख दिया मैंने 6, ठीक है, उसके बाद मैंने कलर लिख दिया इक्वल्स टू डबल कोट्स वाइट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब नाउ, ठीक है, फॉन्ट टैग मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है,
और सेव करूंगा तो लुक एट दिस रिफ्रेश। अब गाइस यहाँ पे आ तो चुका है लेकिन मैंने कलर व्हाइट कर दिया तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए पहले ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ब्लैक सेव रिफ्रेश, ठीक है यहाँ पे आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक है, सेव रिफ्रेश। ठीक है गाइस समझ में आ गया, अब नेक्स्ट रो में चलते हैं। यहाँ पे गाइस रो 4 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, अगर करना होगा तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, और रो 5 में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोबारा कॉल स्पैन करेंगे। ठीक है, डबल कोट्स यहाँ पे 6 सेव, और इसको यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, हटा दिया मैंने, सेव करा, रिफ्रेश करा तो लुक एट दिस यहाँ पे स्पैन आ चुका है। गाइस अगेन यहाँ पे मैं फोन टैग यूज करूंगा। ठीक है, मैं पहले एंटर से थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पे फोन टैग लिखूंगा फोंट। ठीक है, कलर इक्वल्स टू ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे मैं नॉर्मल लिख देता हूँ थैंक्स फॉर विजिटिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं फोन टैग क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। सो गाइस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे, उसके बाद जो हमने वेलकम टू आवर वेबसाइट लिखा था यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे BR। ठीक है, और उसके बाद नीचे दोबारा S2 ले लेंगे। ठीक है, S2 में लिखेंगे यहाँ पे technobrains.in और यहाँ पे H2 बंद कर देंगे। अरे 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 भाई मैंने H1 खोल दिया कहाँ चल रहा है भाई, H2 कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो गाइस अब ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, अब हम इसे अच्छे से डिजाइन करते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस अब हम अपनी वेबसाइट के टॉप पे आ जाएंगे और गाइस ये वही पॉइंट है जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो इसलिए आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है यहाँ से। तो गाइस बॉडी में जाएंगे, बॉडी एट्रीब्यूट में, और यहाँ पे लिखेंगे हम बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। सो गाइस हमारे पास एक इमेज थी IMG फोल्डर के अंदर, तो मैं लिखूंगा IMG। गाइस जैसा कि आपको पता है हमारे पास इमेज फोल्डर के अंदर एक इमेज थी, तो मैं क्लिक करके देख लूंगा इसका नाम। ठीक है, 01.jpg। ठीक है, फोल्डर के अंदर है, इमेज फोल्डर के अंदर हमारे पास कौन सी इमेज थी, 01.jpg। ठीक है, मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा, लेकिन गाइज अभी भी इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना वीडियो। तो गाइज सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने टेबल के अंदर बॉर्डर दे रखा है इसको कर देंगे 0, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो गाइज देखिए हमारा बॉर्डर हट चुका है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट लाइन में आएंगे हम, यहाँ पे आपको दिख रहा है हेडिंग हमने यहाँ पे लगाई थी। ठीक है, इसको हम कलर कर देंगे फॉन्ट टैग से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कलर इक्वल्स टू डबल कोट्स वाइट। ठीक है, फोन टैग क्लोज यहाँ पे करेंगे नीचे के साइड, और इस फोन टैग हम नीचे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये करा, सेव करा, रिफ्रेश करा, लुक एट दिस, ये वाइट हो चुका है। सो गाइस अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे फोन टैग का, वो है फेस। ठीक है, इक्वल्स टू डबल कोट्स, और जो भी गाइस आपको फॉन्ट पसंद हो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में गए। सो गाइस मुझे पसंद है हेलवेटिका, कॉपी करूंगा, और यहाँ पे गाइस ओके मत कर देना गलती से, वरना जितनी भी आपकी कोडिंग है इस फॉन्ट में हो जाएगी, तो यहाँ से कैंसिल करना है, बस जस्ट आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस। ठीक है, ये अच्छा फॉन्ट लग रहा है। सो गाइस इसके बाद मैं फॉन्ट टैग का साइज एट्रीब्यूट लगाता हूँ, साइज इक्वल्स टू डबल कोट्स 5, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो लुक एट दिस, ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब नाउ जो लिखा हुआ था। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करूंगा, इसका ब्लैक हटा के मैं लिखूंगा ऑरेंज। ठीक है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, लुक एट दिस। गाइस यहाँ पे मैं अगेन फेस चेंज करूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ फेस लिखा इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहाँ पे कुछ मैं फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्यूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, अगेन कैंसिल, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव, रिफ्रेश। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ, कितना डैशिंग लग रहा है ना ये, एकदम मस्त लग रहा है ना। ठीक है, उसके बाद थैंक्स फॉर विजिटिंग, मैं यहाँ पे इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ। और गाइस ऊपर जो हेडिंग है मैं इसे थोड़ा लिंक कर देता हूँ। लिंक कैसे करेंगे गाइस, ऊपर गया मैं, यहाँ पे गाइस हमारे पास होम है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे एंकर टैग लगा देता हूँ। ठीक है, ए, ठीक है, हरिफ इक्वल्स टू डबल कोट्स। और गाइस यहाँ पे अगर किसी पेज पे आपको ट्रांसफर करना है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं, मैं अभी हैश टैग लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद होम के बाद एंकर टैग क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश तो लुक एट दिस, ये आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही आपको अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पे करना है। सो गाइस लुक एट दिस, यहाँ पे मैंने तीनों में एंकर टैग लगा दिया है, मैं सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, लुक एट दिस। बट गाइस मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फोन टैग का यूज करूंगा मैं। ठीक है,
और यहाँ पे मैं लिखूंगा फेस इक्वल्स टू डबल कोट्स, और मैं यहाँ पे कुछ अलग फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस यहाँ से मैंने मोनोटोन फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है, कैंसिल करूंगा यहाँ से इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और गाइस ऐसे पहले कंप्लीट करूंगा और यहाँ पे फॉन्ट टैग क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सेव करा, रिफ्रेश करा, लुक एट दिस, ठीक है, मस्त लग रहा है। अब गाइस मैं आपको उसको फुल स्क्रीन में करके दिखाता हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस, 1 2 3, ओ यस, लुक एट दिस मैन, कितनी अच्छी एक वेबसाइट लग रही है। लुक एट दिस, आप देख सकते हैं। और गाइस इसकी कोडिंग आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके अपने तरीके से चेंजेस भी कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, बाय बाय।